मेरा नाम मीका सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सरजील को लेकर बुधवार दोपहर राजधानी लौट आई। सरजील की गिरफ्तारी में उसकी प्रेमिका ने बड़ी भूमिका निभाई है। जी हां, दो दिन से बिहार में छापेमारी करने पहुंची 5 सदस्यों की पुलिस टीम को जांच के दौरान सरजील और उसकी प्रेमिका के संपर्क में होने की बात पता चली थी, जिसके बाद पुलिस ने उससे संपर्क किया और उसकी मदद ने सरजील को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने सोमवार रात को सरजील के दोस्तों और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान सामने आया कि सरजील अंडरग्राउंड होने के बाद से केवल अपनी प्रेमिका के संपर्क में था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी प्रेमिका से संपर्क किया। सरजील की प्रेमिका ने उसे फोन कर मलिक टोला गांव के पास इमामबाड़ा में मिलने के लिए बुलाया, जहां पुलिस ने उसे जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सरजील की प्रेमिका ने उसकी गिरफ्तारी में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं आपको बता दें कि सरजील की गिरफ्तारी के लिए बिहार पहुंची दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने सदस्यों की बिहार पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। सोमवार रात को जब दिल्ली पुलिस सरजील के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी तो स्थानीय पुलिस उसके साथ नहीं थी। गांव के लोगों से सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और दिल्ली पुलिस से उलझ गई। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद दोनों टीमों ने सरजील को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को सरजील की कॉल डिटेल से 450 संदिग्ध नंबर मिले। पुलिस को आशंका है कि इन नंबरों में जामिया अलीगढ़ हिंसा से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने इन सभी नंबरों को जांच के दायरे में रखा है। इन सभी लोगों के बारे में सरजील से पूछताछ होगी। वहीं जेएनयू में सरजील के दोस्तों से पूछताछ में सामने आया है कि वो कन्हैया के गुट का विरोधी था और अक्सर कन्हैया के गुट द्वारा जेएनयू में होने वाले प्रदर्शनों का विरोध किया करता था। गिरफ्तारी के बाद सरजील ने पुलिस को बताया कि उसका मोबाइल खो गया है। ऐसे में उसने पुलिस को अपना मोबाइल फोन नहीं दिया। पुलिस टीम ने नया मोबाइल लेकर सरजील के नंबर का व्हाट्सएप शुरू किया, जिसके डाटा की जांच में पुलिस को पता चला कि सरजील से पीएफआई से जुड़े कुछ लोग भी संपर्क में थे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि सरजील की अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि वो ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में था जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। गत दिनों जांच एजेंसियों ने दिल्ली व देश भर में हुए हिंसा के पीछे पीएफआई के खातों से ही पैसा देने की बात कही थी, लिहाजा इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं सरजील भी पीएफआई से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि आरंभिक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने सरजील से जुड़े दो वीडियो जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सरजील ने जो भाषण दिए हैं उनमें किसी भी तरह से कोई मिलावट नहीं की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफएसएल से आई रिपोर्ट को दिखाकर भी सरजील से पूछताछ होगी, जिससे सच सामने आ सके। इसके लिए सरजील की आवाज का नमूना भी लिया जा रहा है। इस आवाज से सीवी में मौजूद आवाज का मिलान किया जाएगा। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि सरजील ने 13 जनवरी को पहला विवादित भाषण दिया था। अब पुलिस जानना चाहती है कि देश तोड़ने वाला जो भाषण सरजील ने दिया था, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने की किन लोगों ने उसकी मदद की थी। और सूत्रों ने बताया है कि पुलिस जानना चाहती है कि सरजील ने देश तोड़ने वाला भाषण क्यों दिया और अलीगढ़ व जामिया में भाषण देते समय कौन लोग उसके साथ मौजूद थे। साथ ही 13 दिसंबर को वो किन लोगों के साथ जामिया के बाहर था, फायर होने के बाद किन लोगों के संपर्क में था और किन लोगों ने उसे छुपाने में मदद की।